तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं वीवो के ड्रोन कैमरा फोन के बारे में या फिर वीवो के फ्लाइंग कैमरा फोन के बारे में। तो ऐसा दोस्तों बहुत सी वेबसाइट्स पर और चीजों पर लीक आ गया है कि वीवो का ड्रोन वाला फोन या फिर फ्लाइंग कैमरा फोन आएगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों यहाँ पर इनिशिएटिव देखे जाते हैं तो या तो वो वीवो के फोन में देखे जाते हैं या फिर ज्यादातर वन प्लस के स्मार्टफोन में देखे जाते हैं। लेकिन अगर दो तीन साल में देखे जाए तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर इनिशिएटिव जो देखे गए हैं वो वीवो के फोन में देखे गए हैं। तो इस बार दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि वीवो जो लेकर आएगा वो ड्रोन कैमरा फोन या फिर फ्लाइंग कैमरा फोन लेकर आएगा, जिसके अंदर से दोस्तों इसका पेटेंट तो वैसे इसी कंपनी ने करवा लिया वीवो ने कि वीवो ऐसा ड्रोन कैमरा फोन लाएगा जिसके अंदर से उसके कैमरे सेटअप के अंदर टू कैमराज होंगे जो जिसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे जो कि शायद थोड़ा हवा में उड़े। और कुछ लोगों का सवाल है क्या ऐसा कुछ रियलिटी में होगा, तो ऐसा दोस्तों बोला तो जा रहा है कौन सी बहुत सी वेबसाइट्स पर कि ऐसी चीज रियल होगी और इसका पेटेंट वीवो स्मार्टफोन करवा चुकी है। अभी उसका कुछ डिजाइन और बिल्ड मॉडल कुछ इस हिसाब से आ रखा है जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। तो बहुत सी फोटोज और लीक्स आ रखी है कि कुछ इसी टाइप्स पर ऐसा स्मार्टफोन बेस्ड होगा या फिर वो कुछ इस टाइप का उड़ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स करके एक वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है, वहां पर साफ साफ बात बताई गई है कि चाइनीज कंपनी वीवो स्मार्टफोन ऐसे नए नए इनिशिएटिव लेती रहती है, तो शायद इसके अंदर हो सकता है सेल्फी कैमरा होगा या फिर बहुत सी चीजें होती है जो बैक साइड का कैमरा जैसे क्वाड कैमरा सेटअप आता है ना उसी के अंदर फ्लैश लाइट लगी रहती है, तो वो कुछ आपको अलग से ड्रोन टाइप कैमरा सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिससे आप हवा में उड़ा भी सकोगे और भी बहुत सी चीजें आप कर सकोगे। और उसके कुछ लुक्स आउट लुक्स वायरल हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना पॉपअप कैमरा आया करता था कि स्क्रीन के ऊपर से उठता था, कुछ इस टाइप्स के भी लीक्स आ रहे हैं कि वो वहीं से चीज हटकर वो कैमरा हवा में उड़ा करेगा, उसके अंदर फैंस लगे होंगे और फिर वहीं पर वापस आके वो फिक्स भी हो जाएगा। और उस ट्रेलर के अंदर यार रेडमी के 20 प्रो आपने नाम सुन रखा है स्मार्टफोन का या फिर Asus 6Z, कुछ इस टाइप का आपको वो स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा जैसा कि उसके अंदर कुछ दिखा रखा है। अब यार ये पूरा का पूरा अफवाह भी हो सकती है या फिर वीवो कुछ ऐसा सही में प्लान कर रहा हो, क्योंकि कुछ इसी टाइप की आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी जैसा कि वीवो स्मार्टफोन यहाँ पर बता रहा है। और एक लीक दोस्तों यहाँ पर ये भी बताती है कि वीवो का जो कैमरा स्मार्टफोन होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएगा, केवल कुछ चंद सेकंड्स तक ही ये चीज उड़ पाएगी, मतलब 50 मीटर 100 मीटर इसी रेंज में उड़ पाएगा, कोई इसका गलत प्रयोग नहीं कर पाएगा, IMEI नंबर के साथ आपका फोन स्मार्टफोन ट्रैक रहेगा, कुछ ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वीवो फ्लाइंग कैमरा फोन लाए। बाकी आप लोगों को क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताना।